2018 के अंत तक हमारे देश की आबादी 1.35 बिलियन तक पहुंच जाएगी। दुनिया के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से 14 हमारे देश में हैं। ग्वालियर, इलाहाबाद, पटना, रायपुर, दिल्ली, लुधियाना, कानपुर, खन्ना, फिरोजाबाद, लखनऊ, अमृतसर, मंडी, गोमतीगढ़, आगरा, जोधपुर। इन शहरों का प्रदूषित होने का मुख्य कारण है कूड़ा जलाना, गाड़ियों का धुआं, स्टबल बर्निंग, एग्रीकल्चरल पोल्यूटेंट्स, कोल, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का धुआं। द मेजर वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स आर वेस्ट एनर्जी प्लांट्स। ओनली 2 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स एंड 2 RDF वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स वर बिल्ट इन इंडिया टिल नाउ। द वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स इन तिमरपुर, हैदराबाद एंड विजयवाड़ा आर ऑल्सो नॉट इन वर्किंग कंडीशन बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर डिजाइन एंड इनएडुकेट वेस्ट कलेक्शन सिस्टम। इफ यू सेपरेट आर वेस्ट प्रॉपरली, वी कैन ट्रीट इट विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। वी नीड टू सेग्रीगेट आर वेस्ट इन आर होम्स। दिस स्मॉल स्टेप ऑफ सेग्रीगेटिंग आर वेस्ट इन आर होम्स कैन गो अ लॉन्ग वे। भागते हुए, चलते हुए, जैसे कोई ट्रेजर हंट का खेल हो, उसी प्रकार हम लोग सड़कों पे कूड़ा खोज रहे हैं। हम धरन क्लब चंडीगढ़ के सदस्य हैं। हमें देखते हुए लोग तालियां बजाते हैं, फोटो खींचते हैं और शाबाशी भी देते हैं। यह देख के हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। प्रेरणा हमें एक स्वीडन के एक वीडियो से मिली, जिसमें कि दिखाया गया है कि रनर्स जो भागते हुए कचरा उठा रहे हैं, इसको स्वीडन में प्लॉगिंग कहा जाता है। दैट मींस पिकिंग अप गार्बेज व्हाइल जॉगिंग। हम जब रन क्लब वाले चंडीगढ़ की सड़कों पे भागते हैं और हम कचरा देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए हमने TRC में भी ये एक मिशन नया शुरू किया कि जिसमें हम भागते हुए सड़कों का कचरा उठाते हैं और लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रास्ते में पड़ा कचरा कम कर सकें। लोगों को सिखा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि कूड़ेदान का इस्तेमाल करें और अपने आसपास की जगह को साफ रखें। हम भाग रहे हैं पर एक उद्देश्य के साथ। कचरा उठाते हुए हम लंजेस और स्क्वाट्स भी कर रहे हैं। कंप्लीट बॉडी वर्कआउट हो रहा है। आप भी ये कर सकते हैं भागने से पहले, भागते समय या भागने के बाद। किसी भी टाइम हम भागते हुए कचरा उठा सकते हैं। यही नहीं, मैं तो ये भी कहूँगी कि आप बच्चों को भी प्रेरित करें, उन्हें सिखाएं कि किसी भी तरह का कूड़ा कचरा अगर हम देखते हैं तो उसे उठाने में कोई भी शर्म नहीं। जैसे ये आदत सी बन गई है, जहाँ पे हमें कूड़ा दिखता है हम उठाने लग जाते हैं। जितना भी कूड़ा हम उठा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिक है, प्लास्टिक बॉटलें, प्लास्टिक के ढक्कन, पॉलिथीन बैग्स। मेरी लोगों से गुजारिश है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें और अगर प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको ठीक तरह से डिस्पोज ऑफ करें। एक और बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने चंडीगढ़ में है, सूखे पत्तों को जलाना। मेरा लोगों से अनुरोध है कि जहाँ भी आप सूखे पत्ते जलते हुए देखें इसका विरोध करें, इसे बुझाएं ताकि हम अपने शहर के वातावरण को प्रदूषित होने से बचा सकें। वी ओ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर एनवायरनमेंट, लेट्स वर्क टुगेदर। मिलकर काफ़ी कुछ हासिल किया जा सकता है। तरंग क्लब चंडीगढ़ ने जो सफाई का कार्य शुरू किया है, हम चाहते हैं कि शहर के सारे लोग इस कार्य में हमारा सहयोग दें।